हेलो एवरीवन आज की क्लास में हम लोग अपने यूनिट वन इंट्रोडक्शन को जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया है इसको कंटिन्यू करेंगे अब तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स के वो देखे हैं इकोनॉमिक्स का मीनिंग उसका डेफिनेशन और फिर इकोनॉमिक्स के हम लोगों ने ब्रांचेस डिस्कस किए जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी का मतलब क्या है इसके कितने टाइप हैं और फिर इससे रिलेटेड अदर टॉपिक को भी जानेंगे तो जब हम इकोनॉमी वर्ड कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है इकोनॉमिक सिस्टम भी आप समझ सकते हैं तो इकोनॉमी वर्ड का बेसिक और सिंपल सा मतलब जो है वो यही है कि इकोनॉमी को हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं डिफाइन करते हुए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी एक एरिया है पर्टिकुलर या फिर एक अरेंजमेंट है इकोनॉमी इज एन एरिया और एन अरेंजमेंट जहाँ पे क्या होता है तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है ठीक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हो गए तो वही प्रॉब्लम्स जो कि हमने ये अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है मेन वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस ये मेन हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहलाते हैं ये तीन समस्याएं हैं जो हर एक इंडिविजुअल को फेस करनी पड़ती है जहाँ कहीं पर भी जिस पर्टिकुलर प्लेस में या एरिया में हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उसे हम इकॉनमी कहते हैं और आप बात समझेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी की जाती है तो या तो आप इकोनॉमी को याद रखेंगे कि एन एरिया इन विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉल्व या फिर आप याद रखोगे कि इकॉनमी एक ऐसे प्लेस को कहते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं दोनों की दोनों बातें सही है और एक दूसरे से संबंधित है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों की जा रही हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो अगर आप इकोनॉमी को कहते हैं कि इट इज़ एन एरिया एक ऐसा प्लेस जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो मतलब वही निकलता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है तो दो तरीके मैं आपको बता रही हूँ इकोनॉमी को जानने के याद रखने के और एक्सप्लेन करने के एन एरिया और एन अरेंजमेंट इन विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर बींग सॉल्व या फिर आप याद रखोगे इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम इन विच ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर बींग परफॉर्म्ड और अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो हमने जान लिया एक टर्म आ गया हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हमें ये भी जानना होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम किसको कहेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बातें करते हैं तो इसका मतलब हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो जाएगा ये वो सारी एक्टिविटीज हैं ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू किससे संबंधित है ये तो विच आर रिलेटेड टू अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी पैसे को खर्च करने और कमाने से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ हम जहाँ कहीं पर भी करते हैं उनको उन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नाम से जानेंगे सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी डिफाइंड एज़ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी पैसे कमाने और खर्च करने से संबंधित सारी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम जानना चाहें कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो पैसे कमाने और खर्च करने से संबंधित होती है तो इसके अंदर हम जितनी भी एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में परफॉर्म की जाती है उन सबको कैटेगराइज कर सकते हैं और मेन पांच एक्टिविटीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं सबसे पहला है प्रोडक्शन दूसरा है कंजम्पशन तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन चौथी एक्टिविटी कहलाती है एक्सचेंज और पांचवी है इन्वेस्टमेंट ये पांच मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं कहने का मतलब है जितनी भी एक्टिविटीज मनी से रिलेटेड होती है उन सबको हम इन पांच में से किसी भी एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं वॉट इज प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ़ यूटिलिटी जब भी न्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं सो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन वॉट इज़ कंजम्पन तो जब कोई कंज्यूमर अपने नीड्स को अपने वॉन्ट्स को सेटिसफाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं यूज़ करते हैं टू गेट सेटिसफैक्शन तो उस प्रोसेस को हम कंजम्पशन कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करना नीड्स को पूरा करने के लिए कहलाता है कंजम्पशन थर्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके काम करते हैं जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल ये जब भी काम करते हैं तो इनको इनके काम के बदले में कुछ पेमेंट दिया जाता है कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो जो भी रिवॉर्ड हम पे करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनके काम के बदले में उस प्रोसेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में लेबर को वेज देना आता है कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं आपके ऑन्टरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है उसी तरह से लैंड को रेंट मिलता है तो इस तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब हम उनका रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम और रिसोर्सेस अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज एक्सचेंज व्हाट इज एक्सचेंज तो एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन हिंदी में कहते हैं एक्सचेंज का मतलब हो गया कि वस्तु का विनिमय जब हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी पैसा दे रहे हैं सामान ले रहे हैं खरीद रहे हैं फर्म जो है वो सामान दे रहा है और उसके बदले में पैसे ले रहा है सो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड एक्सचेंज एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट जिसमें हम क्रिएट करते हैं कैपिटल एसेट्स को पैसे खर्च करते हैं लगाते हैं और उस पैसे को खर्च करने के बदले में हम किसी कैपिटल एसेट्स को इंक्रीज करते हैं तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं और ये पांच एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं और जहाँ कहीं पर भी ये पांचों की पांचों एक्टिविटी पूरी की जाती है परफॉर्म की जाती है उस प्लेस को हम इकॉनमी कहते हैं और अगर इसको रिलेट करें तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते हैं इन एक्टिविटीज़ को कर कर ये एक्टिविटीज़ किए ही जाते हैं ताकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए तो दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमी इज़ एन एरिया जहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते हैं अब यहाँ पे हमने आधी बातें तो समझ ली कि इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी के दो अलग अलग टाइप ऑफ मीनिंग को हमने देख लिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं ये हमने जान लिया अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात हो रही है तो आप यहाँ पे ये भी समझ लेंगे कि जितनी भी एक्टिविटी इकॉनमी में की जाती है या किसी भी देश में किए जाते हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होते हैं वो नन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाते हैं तो जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है उन सबको हम दो कैटेगरीज़ में कैटेगराइज करते हैं एक तो है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी है नन इकोनॉमिक एक्टिविटी नन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नॉट रिलेटेड टू विच आर नॉट रिलेटेड टू अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी पैसे खरीदने सॉरी पैसे कमाने और खर्च करने से संबंधित एक्टिविटी जहाँ जब हम नहीं करते हैं तो वैसी एक्टिविटीज़ को हम नन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं और इसको भी इसके अंदर भी हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि पैसे से रिलेटेड नहीं होती बट स्टिल हम करते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं कुछ मेन कैटेगरीज में जैसे कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ होती हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं तो ये सब हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं और इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोनों एक दूसरे दूसरे से अलग है ये हमारे इकॉनमी का मीनिंग कंप्लीट होता है और इसी के बाद आप समझ लें एक और टॉपिक इससे मिलता जुलता टाइप्स ऑफ सो कि इकोनॉमी क्या है ये हम समझ चुके हैं अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमी के कितने टाइप हो सकते हैं सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमी के टाइप कितने होते हैं और जब हम टाइप की बात करते हैं इकोनॉमी के तो मेन हमें तीन टाइप ऑफ थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमी देखने को मिलती है जिसमें से पहला जो टाइप है वो कहलाता है कैपिटलिस्ट या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी दूसरा टाइप है हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी और थर्ड टाइप की इकोनॉमी जो हमें देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी इकोनॉमी के मेन तीन टाइप हैं कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड अब ये तीन टाइप की इकोनॉमी क्या है इन तीनों का क्या मतलब है हम ये जानेंगे तो वन बाय वन करके हम तीनों टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में समझ लेते हैं इकॉनमी का मतलब तो देखिए वही होगा जो हमने अभी अभी देखा कि जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं ये प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज ये सारी एक्टिविटी जहाँ हो रही है वही इकॉनॉमी है कैपिटलिस्टिक इकॉनमी जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम एक ऐसा एरिया जहाँ पे इकोनॉमी है तो यहाँ पे एरिया तो है ही है लेकिन कौन से एरिया को हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलेंगे तो जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हो वो अर्थव्यवस्था है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो तब होगी जब वो सारी की सारी तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किए जा रहे हों निजी क्षेत्र के द्वारा अगर प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज ये सब किया जा रहा हो तो उस इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बस आपको इतना याद रखना है कि एन एरिया और यू कैन से अ सिस्टम या फिर अरेंजमेंट जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अच्छा अब प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि इस इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं उनका एम क्या होता है तो उनका एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना ये हो गई हमारी पहली टाइप ऑफ इकोनॉमी जिसको हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से जानेंगे आपको इसके बारे में बस इतनी बातें है हैं इकोनॉमी का मतलब क्या है और इस इकोनॉमी का मोटिव क्या है अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ इकोनॉमी पे जो कि है सोशलिस्टिक इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्टिक इकॉनॉमी का मतलब हो गया चूंकि इकोनॉमी है तो ये भी एक एरिया सिस्टम होगा जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाएंगे एक ऐसा एरिया या सिस्टम जहां पे तमाम किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता हो पूरा किया जाता हो बाय द पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर बोलने का मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा अगर तमाम किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी की जा रही हो तो उस इकोनॉमी को हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं अगर हम बात करें कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी के मोटिव के बारे में कि क्या उद्देश्य होता है सरकार इस तरह की अर्थव्यवस्था में तमाम किस्म के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं तो वो क्यों करते हैं या क्या चाहते हैं तो गवर्नमेंट के काम करने का जो एम होता है वो होता है मैक्सिमम वेलफेयर सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ सरकार के द्वारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है ये हमारी दूसरे टाइप की इकोनॉमी कहलाती है और अब बारी है हमारे थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी को के बारे में जानने का जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है तो मिक्स्ड इकोनॉमी चूंकि इकोनॉमी है तो ये भी एक एरिया ही है या फिर इसको बोलें कि ये एक सिस्टम है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाता हूँ और क्योंकि इसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी तो ध्यान देंगे कि ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है या होती है जहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दोनों के ही द्वारा मिलकर परफॉर्म किया जाता हो पूरा किया जाता है उसे हम मिक्स्ड इकॉनॉमी कहते हैं सो मिक्स्ड इकॉनॉमी ज ए टाइप ऑफ इकोनमी इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाई द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर दोनों के द्वारा तय किया जाता है और अगर हम जानना चाहें कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो ऐसी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है उद्देश्य में मतलब हम बातें कर रहे हैं कि प्रोडक्शन किया जाता है तो क्या पर्पस रखकर या कंज़म्पशन किया जाता है तो पर्पस क्या होता है इस तरह से मोटिव की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं यहाँ पर तो भाई उनको तो वही चाहिए दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफ़िट चाहिए और गवर्नमेंट काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को तो वेलफेयर करना होता है तो गवर्नमेंट काम करते हैं फॉर द मैक्सिमम वेलफेयर तो मिक्स्ड इकॉनॉमी एक डिफरेंट टाइप ऑफ इकॉनॉमी है जहाँ पे दोनों ही मोटिव को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पूरा किया जाता है और इस तरह से थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना है और ये इसी के साथ हमारी देखो तीन टाइप ऑफ इकोनॉमी हमने जान ली है तीनों टाइप ऑफ इकोनॉमी के फीचर्स और उसके मोटिव हमने डिस्कस किए और इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स के अंदर ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम किसे कहते हैं तो अब हम लोगों को ये जानना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे जो तीन प्रॉब्लम्स हैं मेन कि ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज हमारे पास सीमित हैं और वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं तो इन मेन थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ थ्री प्रॉब्लम्स जिसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहते हैं इनको इनकी वजह से अर्थव्यवस्था में किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है और जो समस्या उत्पन्न होती है इकोनॉमी में तो वो इन तीन अलग अलग टाइप ऑफ इकोनॉमी में किस तरह से सॉल्व की जाती है तो अब हम लोग जान लेते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कारण अराइज होने वाले सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होते हैं आर्थिक जो प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज हैं उनके कारण चूंकि हमने इकोनॉमिक्स को के मीनिंग को देखा था कि इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है कि जहाँ पे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं और इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है इनको अब तक हम शॉर्ट में समझते आए हैं ज़रा सा और यहाँ पे डिटेल में बातें कर लेंगे और फिर इसके कारण जो फर्दर प्रॉब्लम होता है हम वो जानते हैं जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहते हैं आर्थिक समस्याएं तो इसका सिंपल सा मतलब निकल कर आता है कि वो सारे प्रॉब्लम्स जो एक इंडिविजुअल को फेस करने पड़ते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में मेन तब से हम लोग स किए जा रहे हैं कि थ्री प्रॉब्लम्स मेन हैं सबसे पहला है ह्यूमन वॉन्ट्स का अनलिमिटेड होना उसके तुलना में जो साधन है उनका सीमित होना और साधनों का वैकल्पिक इस्तेमाल होना ये मेन प्रॉब्लम्स होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल को फेस करने पड़ते हैं और इन्हीं प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं जब हर एक इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स को हम एक साथ मिला देते हैं तो ये जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं ये जो सारे की सारी समस्याएं हैं ये देश में सामाजिक समस्या को उत्पन्न करते हैं देश की समस्या को उत्पन्न करते हैं जिनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनमी के नाम से हम जानते हैं क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से अराइज होने वाले सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो चूंकि हर एक व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं और साधन सीमित हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूज़ेज हैं और यही समस्या देश को भी फेस करनी पड़ती है इकॉनमी को भी फेस करनी पड़ती है और इकॉनमी में मेन थ्री प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज़ हो जाते हैं थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं जिसमें से सबसे पहला प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस अर्थव्यवस्था के सामने अब ये समस्या आ जाती है कि वो किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को बनाए अब ये प्रॉब्लम के अंदर मेन क्या बात आती है तो हाउ टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है दिस प्रॉब्लम इज मेनली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनमें से किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को बनाए क्या कैपिटल गुड्स को बनाए देखो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स तो देश के सामने चुनौती है कि वो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करे कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करे वो दोनों का प्रोडक्शन नहीं कर सकती है क्यों क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही जनरेट कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स को जब इंडिविजुअल के सामने समस्या है कि वॉन्ड्स बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेस कम है सीमित हैं तो यही समस्या समाज और देश के सामने भी है उनके पास भी इच्छाएं या जरूरतें बहुत हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो साधन है वो कम है तो क्योंकि वो ऑल टाइप ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो उनको चुनना पड़ता है कि किस तरह के गुड्स को हम पहले प्रोड्यूस करें कि हमारा जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो बढ़ सके तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम होता है जो कि रिलेटेड होता है विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन नेक्स्ट सॉरी फर्स्ट प्रॉब्लम है हाउ के जगह पे होगा व्हाट टू सो सॉरी द फर्स्ट प्रॉब्लम इज वॉट टू प्रोड्यूस कि क्या बनाना है एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस में हम बातें करते हैं कि डिसाइड हो गया है कि कैपिटल गुड्स बनाना है कि कंज्यूमर गुड्स बनाना है चलिए अब है कि जो वस्तु बनानी है उसे किस तरह से बनाया जाए मतलब किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाए फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस कौन से तरीके को चुनकर उत्पादन को पूरा करें ये समस्या आती है जो किसी भी देश को देखनी पड़ती है फेस करनी पड़ती है और इसमें मेन प्रॉब्लम होता है विद द सेलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अमंग द लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव और बोथ दी मेथड्स मेन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव के बीच में प्रॉब्लम है सिलेक्शन का कि हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में लेबरस का इस्तेमाल ज़्यादा करें या कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा करें कैपिटल मतलब पूंजी मतलब मशीनों का इस्तेमाल करें और इस तरह के समस्या को भी हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनमी कंसिडर करते हैं और ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन किया जाता है इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए देश में लोगों के देश में पॉपुलेशन ज्यादा है या देश में पैसों की संख्या ज्यादा है पैसे ज्यादा है उस हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और फिर आती है तीसरी समस्या जो कि है फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या बनाना है चलिए पता लग गया कैसे बनाना है पता लग गया और अब समस्या है फॉर होम टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूज में जनरली जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस किया जाता है कि गुड्स एंड सर्विसज को बनाने में जितने भी फैक्टर्स ऑफ़ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरह से उनके काम के बदले में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए एक तो इसके अंदर अभी दो तरह के टर्म्स आते हैं समस्या आती है फैक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए या फिर इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को करें तो ये दो तरह की समस्या है फैक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि इनकम के बेसिस पर जो लोग जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन उनको हम उनके काम के बदले में पे करें या इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करें ध्यान दें कि अमीर गरीब का अंतर अधिक है अगर तो गरीबों को हम ज़्यादा रिसोर्सेज दे दें ताकि जो समाज में इनक्वालिटी है वो कम हो सके और इस तरह से ये तीन मेन प्रॉब्लम्स होते हैं जो किसी भी तरह की इकोनमी को फ़ेस करने पड़ते हैं जिनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं और अगर बात करें कि ये प्रॉब्लम अराइज ही क्यों हो रहे हैं तो ये समस्याएं उत्पन्न होती है ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात आती है और जहाँ पे सॉल्व किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं जहाँ पे भी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उसे हम इकॉनमी कहते हैं हमने अभी अभी इकोनॉमी के तीन टाइप पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट थ्री टाइप्स ऑफ इकॉनॉमी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के भी तीन तरीके होते हैं नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग टाइप ऑफ इकॉनमी में किस तरह से मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी जो तीन हैं इनको सॉल्व किया जाता है ये डिस्कस करेंगे आज के क्लास में हमने छोटे छोटे टर्म्स में काफ़ी कुछ देखा जैसे कि इकॉनमी किसे कहते हैं इकोनॉमी के टाइप कितने होते हैं तीनों टाइप के बारे में हमने जाना इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम्स होता है सेंट्रल प्रॉब्लम कितने हैं किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं इनको हमने डिस्कस किया और नेक्स्ट क्लास में हम इनके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी थैंक यू